हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स 360 में हर एग्ज़ाम्स के एक प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं, और हम लोग अभी आपके लिए जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और एसएससी में काम आते हैं, उसका हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। फ्रेंड्स, इस छोटे से सीरीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कम वक्त में मिल जाते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपका समय भी बचता है और आप चीज़ों को एक ओवरव्यू ले सकते हैं, हर एक चीज़ का जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले सकते हैं, और आपको उतना ही ज्ञान जितना हम लोग एक अपने 10 मिनट के वीडियो में बनाते हैं, उतना ही ज्ञान आप किसी और चैनल पे देखेंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे उसी ज्ञान को लेने में। ठीक है, क्योंकि उन लोग का तरीका बहुत अलग होता है, हम लोग का तरीका है टू दी पॉइंट, एग्जैक्ट टू दी पॉइंट आपको बताना और जल्दी से आगे बढ़ना, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत कुछ आता है, हम लोग उसमें बस एक पॉलिश करते हैं और जल्दी से आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग इस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के एक अलग से बहुत ही तगड़ी वीडियो बना की एक सीरीज लाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक डायरेक्ट वो कराते हैं ताकि आपको जल्दी से मिले और आप भी समझ लीजिए 2020 में जो जल्दी जल्दी रन बनाते हैं वैसे प्लेयर बन सके। ठीक है, टेस्ट मैच हम लोग का जल्दी से चालू होगा, उसके लिए हम लोग प्रॉपरली वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम लोग आप लोग का टेस्ट मैच भी कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती। खेती का क्या मतलब है कि भैया आपने क्रॉप उगाया और आपने साथ में भेड़ बकरी गाय अपने इन सबों को भी बड़ा कर दिया, क्रॉप भी उगाया, क्रॉप भी बेचा, भेड़ बकरी गाय बड़ा करके आपने भैया दूध भी बेचा, ठीक है, उनका मीट भी बेचा, तो ये पूरा जो प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में सिल्वीकल्चर में भैया ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, इसको हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डनिंग, ठीक है, फ्रूट्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल लगा रहे हैं, नट लगा रहे हैं, ऑर्नामेंट वाले प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, जो सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग फ्लावर लगा रहे हैं, इनको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर क्या है भैया, बड़ी बड़े ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, सिल्क के लिए, ठीक है, तो प्रोड्यूस ड्रॉ सिल्क, सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर इसको बोलते हैं। विटीकल्चर क्या है भैया, हमने क्या क्या अंगूर के वो कर लिए, अंगूर खट्टे नहीं है, ये अंगूर मीठे होते हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे अंगूर नहीं लगाते हैं हम लोग विटीकल्चर में, मीठे अंगूर वाले पेड़ लगाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। एविकल्चर क्या होता है, हम गए भैया उधर, खूब ढेर सारे हमने कर लिया मधुमक्खी का पालन, उसको हम लोग कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है, एपिकल्चर, उसको हम लोग मधुमक्खी पालन, उसको हम लोग एपिकल्चर कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर में हमने फूल, गेंदे का फूल लगा लिया, ठीक है, आपने गेंदे गेंदे फूल वाला गाना सुना होगा, ठीक है, तो उस तरीके का हमने वो लगा लिया, फ्लोरिकल्चर कर लिया, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, एक्वाकल्चर, हमने क्या कहते हैं, मछली जल की रानी है, सब उसका जीवन पानी है, मछली लगा लिया मछली के उसमें, तो एक्वा मतलब एक्वा गार्ड से आप लोग याद रखिए, एक्वा गार्ड होता है, तो एक्वा कल्चर मतलब मछली मछला। ठीक है, क्रॉप्स में देख लेते हैं, सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स ऐसे ग्रास होते हैं जिनके ग्रेन्स खाए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्या कौन कौन से हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सब इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैं। मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स एक प्रकार के घासों का एक समूह है, ठीक है, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज विथ लेस प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है वहाँ पे होते हैं मिलेट्स, जैसे ज्वार बाजरा, ये थोड़े मोटे होते हैं, ज्वार बाजरा रागी ये सब मोटे अनाज के होते हैं। पल्सेस, दाल, एडिबल सीड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, सीड्स ऑफ द प्लांट होते हैं जिसको खाया जा सकता है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इसको ध्यान में रखिए, प्रोटीन एंड मोस्ट एसेंशियल एमिनो एसिड्स के लिए। चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स, इट ऑल्सो एनरिचेस सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन इट, ठीक है, देखिए क्या होता है कि भैया पल्सेस जो दाल की दलहन खेती होती है उसमें नाइट्रोजन भी नीचे फिक्स कर दिए, ठीक है, आपने तो हो गए नीचे नाइट्रोजन फिक्स कर दिए, ठीक है, तो क्या होता है भैया, ये एक टाइप का नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ये सब टाइप के एक प्रकार के दाल के प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑयल सीड मतलब हमने ऑयल्स मतलब ऑयल्स का खेती कर लिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्राउंड नट, जिंजले, सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या है, ऑयल सीड्स की खेती है। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स में हमने कॉटन, जूट, सिल्क, कॉटन के लिए क्या है आपका राजस्थान, अरे गुजरात, महाराष्ट्र, जूट आपका कोलकाता साइड में,
ठीक है, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिससे हम लोग का पोशाक कपड़ा बन सकता है। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स आप फॉर फीडिंग लाइफ स्टॉक, आपने गैया बकरी आप पाल रहे हैं, गैया बकरी भैंसा है आपका, सीप है आपका, तो आप कैसे उसको खिलाएंगे भैया, ग्रासेस खिला दिए उसको, ठीक है, मेज खिला दिए, स्टॉक्स खिला दिए, ये आपका फॉडर क्रॉप्स हो गया। प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है भैया, हमने बड़ी बड़ी शुगर मिल है, ठीक है, शुगर मिल को शुगर चाहिए, तो शुगर चाहिए तो हमने बड़ा बड़ा अपना शुगर का खेती किया है, शुगर केन की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती हो रही है बहुत बड़े एकड़ में हो रही है, उसको हम लोग कैश क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमर्शियल बेसिस पे, कि पूरा पूरा 25 एकड़ काटा और पूरा ले जा करके सरकारी चीनी मिल में फेंक दिया और पैसा ले लिया, उसको हम लोग बोल दिए प्लांटेशन क्रॉप। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड मेनली टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ, ठीक है, हमने तो पढ़ा था भैया कि आप देखिए ये मसाले का ऐड आ रहा है, वो मसाले का ऐड आ रहा है, मसाले बिक रहे हैं, मसाला खाइए, मसाला खाइए, मसाले का वो, ठीक है, तो थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं, दाल भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि मसाला मसाला है भैया, आप अभी इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं मसाला, तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का जितना भी चीज़ है वो सब आपका खाने में टेस्ट, आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, खाने में टेस्ट के लिए भी काम आता है, मेडिसिनल प्लांट्स है ये सब। ठीक है, क्या क्या है इसमें आपका, देख लीजिए, आपका अदरक है, वो है, मिर्ची है, क्यूमिन, लौंग है, इलायची है, सब है। ठीक है, तो ये सब आपका आपका आ जाएगा स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ इसको मैं रब कर देता हूँ आपके लिए, हाँ आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, क्रॉप ग्रोइंग सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो खरीफ खरीफ सीजन होता है और एक होता है रबी सीजन। ठीक है, खरीफ सीजन क्या होता है भैया, आपने मॉनसून सीजन स्टार्ट फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ठीक है, इसमें क्या आता है, राइस आता है, कॉर्न आता है, कॉटन आता है, सोरगम आता है, बाजरा आता है। रबी में आपका अक्टूबर से फरवरी का होता है, इसमें गेहूं आता है, ये गेहूं और राइस धान ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्ले, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, ये सब क्या है ठंडी के, ठीक है, ठंडी में बो जाते हैं और ठंडी के एंड में काट लिए जाते हैं। जायद क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है, मार्च से जून के बीच में जायद होता है, इसमें वाटरमेलन, पम्पकिंस, कुकुम्बर, खीरा है, ये है, जिसमें पानी वाला चीज़ है वो सब जायद है। ठीक है, तो रबी, खरीफ एंड जायद, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है रबी एंड खरीफ। ठीक है, क्रॉपिंग, क्रॉपिंग सिस्टम पहले देख लीजिए, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड इन ईयर, एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप आपने खेती में लगा दिया। ठीक है, राइस में आपने खरीफ में लाइस राइस वो कर दिया, रबी सीजन में आपने दाल बना दिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ द टाइप्स, डबल क्रॉपिंग होता है, ट्रिपल क्रॉपिंग होता है, क्वाड्रुपल, मतलब एक ही खेत में आपने कोई दो फसल उगा दी, एक ही खेत में एक के बाद एक 3 फसल उगा ली, एक ही खेत में एक के बाद एक 4 फसल उगा ली, उसको हम लोग क्वाड्रुपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, मोनोकल्चर, एक ही चीज़ आप उगा रहे हैं बार बार, रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप एंटायरली। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं जल्दी से फ्रेंड्स, जल्दी से, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इट इज ईयरली सीक्वेंस ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सोइंग एंड फॉलो ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इट इज डिटरमिंड बाय द, एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सोइंग एंड फॉलो ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, पहला है तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस इन इन ए एग्रीकल्चर लैंड विदाउट अ गैप, देयर कांट बी अ गैप बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड सोइंग ऑफ टू क्रॉप्स इन सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। ठीक है, इस सीक्वेंस में एक के बाद एक ऐसे कर दिया, तो इसको हम लोग क्रॉपिंग कहते हैं। लटून क्रॉपिंग क्या होता है, रेजिंग ऑफ क्रॉप विथ रीग्रोथ आउट ऑफ स्टॉक ऑफ रूट्स, एग्जाम्पल सुगर केन, बनाना, सोरगम, ये सब, ये क्या क्या है, लटून क्रॉपिंग का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भैया रीग्रोथ हो जाता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में क्या कर दिया, एक साइड आपने मेज लगा दिया, एक में कॉपी लगा दिया, ठीक है, एक साइड में कुछ दूसरा लगा दिया, टाइप ए लगा दिया, टाइप बी लगा दिया, टाइप सी लगा दिया, इसको हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, उसी में हमने टू और मोर क्रॉप को एक साथ ही लगा दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर की ज़रूरत है वो थोड़ी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा यहाँ तक का क्रॉपिंग सीजन होता है। आगे बढ़ते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग देखते हैं। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट साइमल्टेनियसली इन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, दिख रहा है कि भाई मल्टी स्टोरी है कि दो और अलग अलग
क्रॉप लगा दिया, एक एक बड़ी हेड के लग दिया, एक छोटी हेड के लगा दिया, तो वो होता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? हेयर द सेकेंड क्रॉप इज कल्टिवेटेड, इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या है? प्लांटिंग ऑफ रोज ऑफ ट्रीज विथ मिक्स क्रॉपिंग देखते हैं। ठीक है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली बट विदाउट रो अरेंजमेंट। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में क्या था? एक अरेंजमेंट के साथ हम टू और मोर मिक्स में हमें क्यों, मतलब एक कुछ इधर लगा दिया कुछ इधर लगा दिया, बिना एक सीक्वेंस बिना एक अरेंजमेंट से, वो होता है मिक्स क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन भी देख लेते हैं। अब एग्रीकल्चर आया है तो जब ख़त्म हो जाएगा तो जाएगा। क्रॉप रोटेशन, इट इन्वॉल्व ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर लैंड इन ए प्री प्लांट सच एज ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स देन ग्रोइंग नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स। ठीक है, पहले हमने लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर लिया, फिर हमने नॉन लेग्यूम क्रॉप ग्रो किया। इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली पूरा यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक, फार्मिंग सिस्टम एक, अब हम कितने तरीके के फार्मिंग सिस्टम होता है वो देख लेते हैं। वेटलैंड फार्मिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द सॉइल फ्लडेड थ्रू नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर सच एज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, वेटलैंड फार्मिंग है कि भैया नदी के किनारे खेती करके हमने वेटलैंड फार्मिंग कर लिया, पूरा ही पानी ही पानी है। ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना उठाइए। इरीगेटेड फार्मिंग क्या है? ठीक है, हमने क्या किया कि भैया नदी से पानी का एक पूरा पंप से पानी खींच करके अपने पूरा गांव में लेते हैं, अपने खेत में लेते आए हैं, और वहां पे हम इरिगेटेड फार्मिंग कहते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है? जो हमारा पूरा, भैया हमारे यहाँ तो कभी बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तो हम लोग उगाते हैं, तो पूरा हम लोग बारिश पे डिपेंडेंट है, वो हो गया ड्राई लैंड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग क्या है? हमारे यहाँ तो बारिश ही बारिश होती है पूरा, हम तो हम लोग ऐसा फसल उगाते हैं जो बारिश पूरा बारिश झेल जाता है। ठीक है, हमेशा बारिश होती है। ठीक है, दिन रात बारिश होती है। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच ग्रोइंग क्रॉप्स अलॉन्ग विद द रेजिंग ऑफ द, हम तो भैया क्या करते हैं कि कुछ भैंसा भी रख लिए हैं, कुछ गाय भी रख लिए हैं, उसी में खेती भी करते हैं, भैंसा का गाय का दूध भी बेच देते हैं, सब टाइप का चीज़ करते हैं। फिशरी भी का है, उसी में हम थोड़ा सा तालाब बना करके फिश भी रख लिए हैं, उसी में हम बी कीपिंग भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तगड़ी कमाई कर रहे हैं मिक्स फार्मिंग करके। स्पेशलाइज फार्मिंग क्या है? हम तो भैया, हमें तो बस एक ही ज्ञान है कि हम गन्ने की खेती करते हैं और बेच देते हैं पूरा उसको फैक्ट्री में, तो वो होता है स्पेशलाइज फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या है? हम तो सीख के आए हैं कि भैया स्पेशलाइज में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो हम अपना क्या करेंगे कि दो तो भैंसा खरीदेंगे और फार्मिंग भी करेंगे और भैंसा भी खरीदेंगे, तो वो हो जाता है मेरा स्पेशलाइज फार्मिंग। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? हमें तो भैया पता है कि क्रॉप्स कभी कभी वो हो जाता है, कभी बारिश हो जाता है तो क्रॉप्स मेरा ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रीज भी उगाएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रीज हो जाएगी, फिर मेरे पुश्तों तक वो ट्रीज चलती रहेगी, फिर हम उसको लकड़ी भी बेचेंगे, ये भी करेंगे, वो हमारा हो जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? हमें तो नहीं अच्छा लगता है, हमारे क्लाइंट हैं अमिताभ बच्चन और आमिर खान, हम तो 1 किलो आलू उनको 500 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भैया हम फर्टिलाइज़र तो नहीं, आपको फर्टिलाइज़र वाला नहीं लाइए, तो हमारे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन और इन लोग को बेचते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पूरा हिसाब किताब है। ठीक है, बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमसे ख़रीद लेते हैं, चाहे मैं 500 रुपये किलो बेचूँ, चाहे मैं 1,000 रुपये किलो, लेकिन उनका शर्त यही है कि हम क्या करेंगे, हम आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आपका नहीं यूज़ होना चाहिए। तो हम पूरा मेहनत करते हैं, 1 किलो आलू उगाते हैं और उनको सीधे डायरेक्टली उनके घर जाके बेचते हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाता है। इको फार्मिंग क्या है? तो इसको भी समझिए, ठीक है, आपको समझने का ये तरीका है, ये तरीका आप लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो इको फार्मिंग देखिए क्या है। इको फार्मिंग में क्या करते हैं? सिमिलर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग बट इकोलॉजिकल अप्रोच हम लगा देंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बस इकोलॉजिकल, हम भैया इकोलॉजी को भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी को भी हम चाहते हैं कि हमारी पुश्त दर पुश्त एक क्लाइमेट में सामंजस्य बैठे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वो इको फार्मिंग हो गया। इकोनॉमी इकोलॉजी को भी हम परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अब थोड़ा सा हम पहले इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फार्म जैसे क्रॉपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ द फूड गेन। ठीक है, तो हम ये टाइप का इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया कि
हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। हम ऐसा एग्रीकल्चर करेंगे कि आज तो हम खा रहे हैं, मेरा फ्यूचर भी खाएगा। ऐसा नहीं कि हम 3 साल पैसा खूब कमा लिए लेकिन हम क्या करते हैं, अपना खेत को बंजर बना दिए हैं, इतना फर्टिलाइजर वो कर दिए हैं कि भैया मेरा खेत ही बंजर हो गया है। तो 4 साल 5 साल 10 साल तो हम खा लिए लेकिन मेरा बच्चा क्या खाएगा, ठीक है। तो इस वैसा वाला नहीं है, हम अपने लिए भी काम करेंगे, बच्चे के लिए भी काम करेंगे, तो वो होता है सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है। हम आज के साथ साथ फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। टीलेज, अब टीलेज देख लेते हैं क्या है भैया। टीलेज इज एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर सीड जर्मिनेशन ग्रोथ ऑफ क्रॉप एक्सेट्रा बाई मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ वेरियस क्रॉप सच एज डिगिंग स्टीरिंग एंड ओवर टर्निंग, ठीक है। तो इसको हम लोग टीलेज कहते हैं। जीरो टीलेज इज मैटर ग्रोइंग विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टीलेज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इको फार्मिंग। टीलेज में क्या है कि हम लोग मैके बहुत सारे मशीन को यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। खेत जोत रहे हैं, ठीक है, पूरा डिग करके पूरा खेत में हमने पहले सीड बोया, फिर उसको उल्टा पलटी किया, ठीक है। तो वहाँ से हमने वो हम होता है टीलेज। अब जीरो टीलेज क्या है कि हमने ये सब नहीं किया, हमने सीधे शुद्ध वो है कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि सीड डाल दो, मेरा जैसा फसल होगा वो तैयार हो जाएगा और हम उसको बेच खाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब मैक्रो में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबों के आपको फर्टिलाइजर भी इन सबों को एनरिच करता है, इसे फर्टिलाइजर बनाता है और इन सबों को एनरिच करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरॉन है, क्लोराइड है, मॉलिब्डेनम, ये सब आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्टिलाइजर्स में देखिए, फर्टिलाइजर्स में देखिए, ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंटेनिंग, नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस कंटेनिंग केमिकल एलिमेंट दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, वो होता है फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स में, केमिकली इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चर होता है उसको केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्योर्स क्या है कि भैया हमने अपने जो भी घर के वेस्ट था उसको हमने सॉइल में डाला और वहाँ पे हमें धीमे धीमे डिकम्पोज होकर के वो हमें मैन्योर्स मिल गया। बायो फर्टिलाइजर क्या है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स, हमने क्या केचुए और ये सब भी डाल दिए हैं ताकि वो नेचुरल तरीके से जोतते रहे खेत और हमें बायो फर्टिलाइजर मिलता रहे, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इट इज़ अ जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर एज पर द नीड ऑफ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। इरीगेशन क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल। माइक्रो इरीगेशन, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस टू सेव वाटर एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन बाय द मेथड ऑफ वॉल्यूम लो प्रेशर एंड हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लो प्रेशर से पानी गया और हाई फ्रिक्वेंसी हमेशा हमेशा पानी है, तो वो माइक्रो इरीगेशन का एक पार्ट है। अब देख लीजिए मेजर टाइप्स ऑफ इरीगेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप्स के इरीगेशन होते हैं। पहला तो होता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है, ठीक है, तो फुस 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 करके आपका रेनफॉल की तरह आपका पानी निकलता रहता है। अब ड्रिप इरीगेशन है, वाटर अलाउड टू द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर ये सब बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि ये पानी को बचा रहा है आजकल के ज़माने में, जहाँ पे आजकल के समय में जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और कई लोगों ने बोला है कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होने वाला है, पानी की वजह से होने वाला है। तो भैया इस केस में हमारा पानी का बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की कमी लगातार होती जा रही है, पानी हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब वीड्स देख लीजिए, वीड्स क्या होते हैं भैया, जो घास फूस प्लांट के बगल में जो घास फूस हो जाते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। अनवांटेड एंड डिजायरेबल दैट इंटरफेयर द यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। तो भैया हमने फर्टिलाइजर डाला और ये सब ले लिए पूरा खा गए, वीड्स हमें कुछ दिए भी नहीं और खा भी गए, तो इसलिए वीड्स इसे इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को भी देख लेते हैं।